जमीन के विवाद में जहर पिलाने का आरोप, पुलिस ने घटना को बताया मनगढ़ंत। शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र के सकलपुर गांव में शुक्रवार को जमीन के विवाद में एक युवक को जबरदस्ती जहर पिलाने का मामला सामने आया है। युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की शिकायत SP ऑफिस में आवेदन देकर दर्ज कराई गई है। जिला अस्पताल में भर्ती युवक ने इस मामले में पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर सतनवाड़ा थाना पुलिस ने इस पूरी घटना को मनगढ़ंत बताया है। जानकारी के अनुसार कौशलेंद्र सिंह पुत्र हेमंत कुमार सिंह रजावत निवासी ग्राम सकलपुर थाना सतनवाड़ा जिला शिवपुरी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह को वह अपने घर पर सो रहा था, तभी उसके ही परिवार के विनीत वीरेंद्र सिंह शैलेंद्र वीरेंद्र का साला लोकपाल सिंह और राम अवतार रजावत घर पर आए और सभी ने खटिया पर ही उसकी हाथ पैर पकड़ लिया और सरसों में डालने वाली जहरीली दवा पिलाकर जान से मारने का प्रयास किया। मेरी पत्नी व मेरे विकलांग माँ ने छुड़ाने का प्रयास किया, तब मैं छूट कर भागा। इनके द्वारा पिलाई जाने वाली दवा मेरी टी शर्ट व शरीर पर गिर गई। अगर मेरी पत्नी व माँ मुझे नहीं छुड़ाती तो उक्त लोग मुझे जान से मार देते और उसे आत्महत्या का केस बना देते। मैं घटना की रिपोर्ट करने पुलिस थाने सतनवाड़ा जा रहा था तो उक्त लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया। कौशलेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। कौशलेंद्र सिंह रजावत। क्या नाम है? कौशलेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? सकलपुर के। यहाँ कैसे आए हो? परिवार वाले ने हमारी जमीन जाब रखी, उनने सुबह आके खटिया पर सो रहे थे, उनने पकड़ लिए, जहर डाल दिए मुँह में, जहर डाल दिए। कौन लोग थे? परिवार वाले सदस्य थे। नाम बताओ। कोमल सिंह, अमित, विनीत, वीरेंद्र, राम अवतार और वीरेंद्र का साला और थे। आया हमारी जमीन पर कब्जा कर रखे हैं हमारे नाम पर। जमीन कितनी है आपकी? हमारी 12 बीघा है। किसके नाम जमीन है? मेरे नाम है। परिवार में कौन कौन के संग रहते हो आप? हम अकेले हैं पिताजी के। अच्छा। वो लोग काफी लोग हैं। पिताजी कहाँ हैं आपके? खत्म हो गए। तो शादी हो गई आपकी? हाँ शादी हो गई। बीवी कहाँ? बीवी करते हैं। और माँ विकलांग है। बच्चे कितने हैं? एक लड़का एक लड़की। कितना बड़ा है? 10 साल का। तो उनसे पहले भी कभी विवाद हुआ था आपका? हाँ विवाद चल रहा है ये जमीन को लेके। हाँ जमीन के पीछे वो जमीन हमारी दे नहीं रही। हमारी कई तरह हमने आवेदन भी दी है और हमारी सुनवाई हो नहीं रही। तो क्या जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में डाल दी उन लोगों ने? हाँ कटिया पे सो रहे थे, सुबह 6 बजे आ गए, उन्हें पकड़ लिए। कितने जने आए थे जी? सब लोग जो आप बता रहे हो नाम, वो आते 8-10 लोग आते। तो आपके परिवार वाले नहीं आए? माँ विकलांग थी, माँ आ गई थी और हमारी घरवाली आ गई थी। तो फिर आपको मालूम कैसे पड़ा? हमको दाब लिए थे तब हमने सो रहे थे, तब देख वो दवाई कर रहे थे। हम माँ ने, मम्मी ने और घरवाली ने बचाया। आज सुबह की बात है? आज सुबह 6 बजे की। थाने में शिकायत की आपने? हाँ शिकायत जा रहे थे, वो रास्ता में खड़े हो गए थे, थाने में नहीं जान दे रहे हमको परिवार वाले। तो क्या चाचा बचा के लड़की है क्या? हाँ चाचा के लड़के हैं। क्या नाम है चाचा का? वीरेंद्र सिंह। कौन समाज है वो? ठाकुर। क्या लिखते हो पूरा नाम सही? राजाबाद। पिताजी का नाम क्या है आपके? हेमंत कुमार सिंह। तो ये मामला ये लोग कब से परेशान कर रहे हैं आपको? हमको ये 1.5 साल हो गए सर। तो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं आप जमीन? हाँ कब्जा करें हैं, वो छीन नहीं दे नहीं रहे। तो थाने में शिकायत की थी आपने पहले? हाँ शिकायत भी करी थाने में भी। क्या सुनवाई हुई? कुछ नहीं हुई सर। क्या चाहते हो? वो लोग पैसे भर देते हैं। क्या चाहते हो तुम? हमारी जमीन दी जाए और हमारा निराकरण किया जाए, हमारी रक्षा की जाए। मानने भी दो, कई जगह भी आवेदन दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं गई सर।